चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आगे के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा जो भी हमारा शेप है, लाइन है, रे है, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उससे किस तरह से अलग अलग टाइप की इमेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम मेजरिंग लाइन सेगमेंट। तो हम दो लाइन ड्रॉ कर सकते दो करते हैं तो उसके अंदर से कंपैरिजन करनी है, मेजरिंग करना है कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। तो किस तरह से, सबसे पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। चलो ये दो लाइनें ए बी और सी डी, तो दोनों के अंदर से सबसे पहले देखो कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। बाय जस्ट लुकिंग देम कैन यू टेल विच वन इज लॉन्गर। तो देखने से हमें पता चल सकता है कि ए बी लाइन है वो बड़ी लाइन है। बट यू कैन ऑलवेज बी श्योर अबाउट यूजुअल जजमेंट। इसके अंदर क्या ये तो कहता है कि छोटी बड़ी है, चलो उसके बाद की लाइन के अंदर कह नहीं सकते हम कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी है, इस लाइन के बारे में हम नहीं कह सकते। चलो दूसरा है द डिफरेंस लेंथ इन बिटवीन द टू मे बी ऑब्वियस दिस मेकिंग अ द कंपैरिजन नेसेसरी इन दिस एडजस्ट फिगर ए बी एंड पी क्यू हैव सेम लेंथ। तो इसके अंदर ए बी और पी क्यू के अंदर सेम लेंथ है तो हम बता नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। चलो दूसरी मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग करना है किस तरह से, ट्रेस रूरल से या फिर टू कंपेयर ए बी एंड सी डी ट्रेसिंग पेपर सी डी के ऊपर ट्रेस करनी है ए बी लाइन, मतलब कि उठाकर उसके ऊपर रख देनी है तो जो बड़ी लाइन होगी वो पता चल जाएगा हमें कि कौन सी लाइन बड़ी है। चलो उसके बाद थर्ड वन इज कंपेरिजन यूजिंग रूरल एंड डिवाइडर। तो रूलर एंड डिवाइडर से हमें कैसे पता चल सकता है कि रूलर के पास हम जब लाइन के पास उसको ले जाएंगे तब रूलर के अंदर उसका जो भी नंबर होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो उसके अंदर आ जाएगी। और इस तरह से हमें पता चल सकता है कि जैसे ए और बी लाइन है रूलर के पास रखी तो 3 point something सेंटीमीटर की है, मतलब 4 centimeter की है। दूसरी लाइन के पास रखोगे तो वो 3 centimeter की होगी। तो इस तरह से पता चल सकता है कि कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। सेम डिवाइडर से कर सकते हैं, डिवाइडर को इस तरह से लाइन के ऊपर रखो, दो पॉइंट उसका मेजरमेंट ले लिया और उसके बाद उस मेजरमेंट को स्केल के ऊपर रूलर के ऊपर रखो तो वो हमारा नंबर आ जाएगा उसके ऊपर से। चलो उसके बाद है सिंपल एक्सरसाइज है व्हाट इज डिसएडवांटेज टू कंपेयर लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। चलो उसका सॉल्यूशन है बाय मेरे ऑब्जर्वेशन वी कैन कंपेयर द लाइन सेगमेंट विथ स्लाइट डिफरेंस इन देयर लेंथ। वी कैन से विच लाइन इज सेगमेंट इज ग्रेटर लेंथ हेंस द चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रूविंग व्यू आर मोर। सेकेंड वन इज वाई इज इट बेटर टू यूज डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग लेंथ ऑफ सेगमेंट। रूलर के और डिवाइडर के अंदर क्या बेस्ट होगा, एक्यूरेट आएगा। वेल यूजिंग रूलर चांस ऑफ एरर अकर ड्यू टू थिकनेस और रूलर एंड एंगुलर व्यूअर, हैंस यूजिंग डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल। रूलर के अंदर क्या होगा, उस रूलर की जो लेंथ होगी, थिकनेस होगी, वो भी उसके अंदर एरर करेगी। आप 90 डिग्री के अंदर देखोगे तो ही उसके अंदर से ठीक का माप बता सकते हैं, वरना उसके अंदर ठीक माप भी नहीं आ सकता। चलो नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट से ए बी एंड टेकन प्लेसिंग।